हाय नमस्ते। और पहला उत्तराखंड फिलहाल ये है गांव का नज़ारा। ये पीछे पुल है और उसके बाद सबसे मज़ेदार है ये पीछे देखिए, नीचे दिख रहा है, दिख गया। तो ये है बहुत मज़ेदार यहाँ पीछे, बिल्कुल पीछे दिखाई दे रहा है यहाँ से। और अभी दिखा रहा हूँ ये रहा नीचे स्ट्रीम चलती हुई, बहुत मज़ेदार है चारों तरफ से पुल के बिल्कुल बीचों बीच और चारों तरफ है पहाड़ और छोटे छोटे प्यार से घर बीच हैं सारे पहाड़। ये रहे पुल और ये बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त व्यू यहाँ से। और इस वक्त सूरज बहुत तेज है लेकिन उतना ही मज़ा यहाँ पर इस सर्दी की धूप का, सर्दी की धूप का मज़ा। वो पीछे देखे, पीछे से यहाँ से आ रहे हैं। और ये जो है यहाँ मज़े बहुत हैं पहाड़ों के, देखें तो आसमान बिल्कुल साफ नीला है, आसमान देखिए नीला आसमान है आज। और बहुत ज़बरदस्त यहाँ का व्यू, अगर नीचे की तरफ से दिखाऊँ तो ये है पुल। और ये छोटे से पुल जो नदी के क्रॉस करने के लिए बनी है, अगर से दिखाऊँ तो नीला आसमान जो है बहुत ही गजब। पहाड़ों के यही मज़े हैं, सर्दी की धूप हो और खुला आसमान, खुले आसमान के तले ये पहाड़ी जनजीवन, फिर चाहे ये कल कल बहती नदी हो या ये पत्थर या फिर ये घास। और फिर से हम हैं जाखड़ी यानी कि चमोली गढ़वाल में। ये रहे बाबा, देख देख के बिल्कुल मज़े ले रहे हैं गांव के। बाबा कैसा लग रहा है भाई, मज़ा आ रहा है? काम हुआ है पुल, पुल में अच्छा काम। ये देखो पुल देखने, ये इंस्पेक्शन करने आ गया आज यहाँ, बिल्कुल आते बिल्कुल देख रहा हूँ मैं कि नदी कहीं नदी से बह तो नहीं जाएगा और एक्सेसिबिलिटी के आसानी से नहीं बहेगा। एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है थोड़ी सी, थोड़ी सी नहीं भी बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है। तो ये जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी चेक कर लेते हैं, ये खासियत है इनकी। वैसे तो IT-80 एजुकेटर हैं लेकिन पर्सनल एक्सेसिबिलिटी चेक करना चाहिए, फिजिकल भी कर लेते हैं, ये फिजिकल भी कर लेते हैं। तो हम लोग दोनों इस वक्त एक लंबी राइड के बाद आज थोड़ा रेस्ट है और कल फिर से हम हैं एक लंबी राइड पर, क्यों बाबा? बिल्कुल, कल फिर हम एक लंबी राइड पर होंगे। फिलहाल आज थोड़ा रेस्ट, काली बात चलेगा, कौन सा रूट, पूजा रूट कल बताएंगे, आज नहीं। तो ये गांव के नज़ारे फिलहाल, आप लीजिए मज़े और हम दोनों भी चलते हैं। चलें बाबा, हम दोनों भी चलते हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नया लेकर, कुछ और गजब सा लेकर। बस फॉलो करते रहो यार, देखते रहो, मज़े लेते रहो। की ज़रूरतें जैसी होती हैं, जैसा परिवेश होता है वैसा इंतज़ाम भी हो जाता है। ये देखिए सूखी घास है, ये इकट्ठी कर रखी है, जब बर्फ़ गिरती है या जब सूखी घास खिलानी होती है तो ऐसे पेड़ों पे इकट्ठा करके रखते हैं। ये सब लगे हुए हैं देखिए पेड़ों पे, क्योंकि खेत में दूसरी फसल आ जाती है उसके बाद और फिर इसको इस्तेमाल करते हैं। ये रहा सामने गाँव, हम गाँव के दूसरी तरफ आए हुए हैं। ये रहा जाखड़ी गाँव, नीचे मंदिर सामने, यहाँ ये रास्ता के ऊपर गांव की तरफ, ये आया मकान और सामने है मकान, ये वाला मकान है अपना। ये है गांव का नज़ारा यहाँ से ऊपर धार पर, हर जगह ये घास का इंतज़ाम को हर जगह दिखेगा क्योंकि ये बर्फ़ में जब जानवरों को खिलाना होता है मवेशियों को तब काम आता है, क्योंकि उस टाइम में नहीं जाते या जब घास ख़त्म हो जाती है हरी घास तब ये सूखी घास उनको खिलाने के काम आती है। पहाड़ी जनजीवन, पहाड़ी तरीके और ये पहाड़।